like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mindpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS TET 2022 की जो आज की हमारी preparation है. जो हमारा target subject है वो है English. English के अंतर्गत जो topic आज हम discuss करने वाले हैं वो है clauses. क्या है clauses, किसे कहते हैं clauses, किस प्रकार clauses को हम identify करेंगे, चलिए देखते हैं आज के सेशन में. जो हमारे सेशन में न्यू है डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए क्लॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसे कहते हैं क्लॉजेस, क्लॉजेस क्या है, चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्लॉजेस. क्लॉजेस किसे कहते हैं, क्लॉजेस उसे कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनती है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से, जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ये कंस्ट्रक्ट होता है क्लॉजेस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स किस प्रकार कंस्ट्रक्ट होता है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होता है उसमें एक प्रकार का हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कंस्ट्रक्ट होता है. जहाँ कहीं भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, सब्जेक्ट सेंटेंस किस प्रकार बनता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बनता है. जो यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब है ये कहलाता है क्लॉज. तो चलिए एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं. देखिए शी रन्स, यहाँ पर देखिए शी जो है ये सब्जेक्ट है, रन जो है ये वर्ब है. शी रन ये हो गया आपका क्लॉज. क्लॉज को आइडेंटिफाई करना हो तो जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट उसके साथ वो बहुत जुड़ा हो तो क्लॉज उसे ही कहते हैं. तो ये सेंटेंस में रहता है, क्लॉजेस से सेंटेंस बनता है. एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज से सेंटेंस बनता है, लेकिन सेंटेंस से क्लॉजेस नहीं बनते हैं. क्लॉजेस से सेंटेंस बन सकते हैं लेकिन सेंटेंस से क्लॉजेस नहीं बनते हैं. क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस मीनिंगफुल होने के लिए, एक सेंटेंस बनने के लिए हमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होनी चाहिए एंड टोटल ये जो है ये मीनिंगफुल रहता है. किस प्रकार रहता है, हम जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है. लेकिन यहाँ पर क्लॉजेस में मीनिंगफुल हो ये ज़रूरी नहीं है. मीनिंगफुल ही निकले आपका एक क्लॉज ये ज़रूरी नहीं है. क्लॉजेस को ना पुलिस स्टॉप होता है. यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, एक एक बार सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है या फिर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. तो और डीपली हम यहाँ पर क्लॉजेस को देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे. शी लॉफिंग, शी जो है ये सब्जेक्ट है, लॉफिंग जो है ये वर्ब है, ये हो गया आपका क्लॉज. ही जो सब्जेक्ट है, ईटिंग जो है ये वर्ब है, ही ईटिंग ये जो है ये क्लॉज है. शी रन, शी लॉफ, शी ईटिंग ये सारे हो गए आपके क्लॉजेस. यहाँ पर शी रन वो भाग रही है, शी वो हंस रही है, शी ही ईटिंग वो खा रहा है. इस प्रकार जब हम यहाँ पर एक सेंटेंस में इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके बताते हैं, वो शी ही दे इट टू किसी को भी हम यहाँ पर पॉइंट आउट करके बताते हैं तो वो हो गया आपका क्लॉज. क्लॉज के साथ वर्ब हमेशा जुड़ा रहता है. इस प्रकार आपको क्लॉज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के रिले साथ ही आपको वर्ब दिखे तो वो क्लॉज हो जाएगा. क्लॉजेस कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देख लेते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर जो हेडिंग्स में है, जो टाइप्स में है उसी में पता चल जाता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जिसका कोई यानी वो इंडिपेंडेंटली अपने जो व्यवहार जो इंफॉर्मेशन है वो व्यक्त करता है. लेकिन डिपेंडेंट है जो एक क्लॉज के साथ दूसरे क्लॉज जुड़कर दूसरे क्लॉज के साथ एक क्लॉज जो है फर्स्ट जो मेन क्लॉज है वो डिपेंडेंट रहता है. इस प्रकार जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं किस प्रकार हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज उन्हें कहते हैं जो इनके लिए कोई क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अनदर क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती. ये इंडिपेंडेंटली अपने जो इंफॉर्मेशन है व्यक्त करते हैं. देखिए एग्जांपल, आई लव ईटिंग कुकीज़. यहाँ पर आई लव जो है ये सब्जेक्ट है, ईटिंग जो है ये वर्ब है. सब्जेक्ट वर्ब के साथ यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन
दिया गया है आई लव ईटिंग कुकीज, कुकीज खाना मुझे बहुत पसंद है, इस प्रकार जो सेंटेंस दिया गया है ये हो गया आपका मीनिंगफुल। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये हो गया आपका क्लॉज। नेक्स्ट देखिए माई डॉग बॉक्स से लौट, माई डॉग ये जो है सब्जेक्ट है, बॉक्स जो है ये वर्ब है, वर्ब के साथ ए लॉट यहाँ पर जुड़कर ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर ये हो गया आपका माई डॉग बॉक्स बार्क्स जो है ये हो गया आपका क्लॉज। नेक्स्ट देखिए द किड एट लंच, द किड्स एट लंच, ये जो किड्स है द किड्स है ये सब्जेक्ट है, एट जो है ये वर्ब है, इसके साथ ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिया गया है। हमने कहा था कभी ऑलवेज क्लॉजेस ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ये मीनिंगफुल हो, ऑलवेज ये मीनिंगफुल नहीं होते हैं, जब मीनिंगफुल हो भी सकते हैं या मीनिंगफुल नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर मीनिंगफुल एक क्लॉज दिया गया है। नेक्स्ट देखें हिज ट्रक इज ग्रीन, हिज जो है ये सब्जेक्ट है, ट्रक जो है ये वर्ब है, हिज ट्रक इज ग्रीन, यहाँ पर जो ट्रक के बारे में बताया जा रहा है ये हो गया आपका क्लॉज। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में हम यहाँ पर क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा रहता है एंड उसके साथ अगर यहाँ पर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो तो वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। चलिए फिर देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। सो डिपेंडेंट क्लॉज उन्हें कहते हैं जो एक इंफॉर्मेशन के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन जुड़ी रहती है एंड दूसरी इंफॉर्मेशन ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन को मीनिंग दिलाती है, यानी कि ये जो फर्स्ट क्लॉज होता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो सेकंड क्लॉज का जो मीनिंग जुड़ने पर ही जो फर्स्ट क्लॉज का क्लॉज जो है उसको मीनिंग दिया जा आता है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल देखें लेट्स गो फॉर वॉक, चलिए वॉक पर चलिए, वाइल द सन स्टिल आउट, जो सन है वो अभी बाहर नहीं आया है इससे पहले हम वॉक को चले जाएँ। तो ये जो है यहाँ पर ये जो क्लॉज है लेट्स गो फॉर ए वॉक वाइल द सन राइज स्टिल ऑन, ये जो सन राइज स्टिल है जो ये लेट्स गो फॉर वॉक ये जो है ये दोनों क्लॉज एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सन निकलने के बाद किया जा रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर काम उससे पहले हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जो इंफॉर्मेशन इससे पहले काम करने की बात हो रही है, तो ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंफॉर्मेशन ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके साथ ये पहला वाला इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट है। और डीपली हम यहाँ पर जानते हैं, चलिए डिपेंडेंट क्लॉज भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं, तो थ्री टाइप्स डिपेंडेंट क्लॉज हैं। देखिए एक तो नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, उसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज को यहाँ पर हम और डीपली देखते हैं नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। चलिए फिर ये नाउन क्लॉज किसे कहते हैं एग्जाम्पल देख लिए यहाँ पर, आई बिलीव दैट आई विल पास इन एग्ज़ाम, यहाँ पर जो एग्ज़ाम की बात हो रही है यानी कि यहाँ जो बात हो रही है आई विल बिलीव दैट, मुझे भरोसा है कि मैं इस एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, ये सारी बात हो रही है एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर जो स्ट्रेस किया जा रहा है एग्ज़ाम पर, यहाँ पर स्ट्रेस किया जा रहा है, तो एग्ज़ाम जो है वो है नाउन, तो नाउन के रिलेटेड यहाँ पर क्लॉज प्रस्तुत किया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं। इजी है इसे आइडेंटिफाई करना, जहाँ कहीं भी नाउन दिख जाए और नाउन की बात हो, जब कभी भी सेंटेंस में नाउन को रिलेटेड बात किया जाए, नाउन को यहाँ पर स्ट्रेस कर बताया जाए, तो वो हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, एग्जाम्पल जरिए समझते हैं। एक्सरसाइज विच मे पीपल डिसलाइक इज गुड फॉर यू, यहाँ पर जो एक्सरसाइज के बात किया जा रहा है, विच मैनी पीपल्स डिसलाइक, ये जो है एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग जो है पसंद नहीं करते, एज गुड फॉर यू, फिर वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो वो अपने लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, इस बात का
बात इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर दर्शा रहा है, तो विच मैनी पीपल्स डिसलाइक, यानी कि ये जो है यहाँ पर नाउन की जो क्वालिटी को यहाँ पर दर्शा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये जो है विच से स्टार्ट होता है एडजेक्टिव को, अगर आप यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव क्लॉज, तो यहाँ पर ज़्यादातर विच, हुज, व्हाट, ये जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस में दिख जाए वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज किससे, कहाँ, कब, इस प्रकार के इंफॉर्मेशन देता है। तो एडजेक्टिव ये जो है नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है। जिन्होंने सेशन नहीं देखे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने इंडिविजुअल क्लासेस ली थी, ताकि इजी से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको गेन हो सके। तो यहाँ पर देखें, जब कभी भी आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दिया जाए तो वो प्रीवियस से रिलेट करता है। तो हमने बेसिक लेवल से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इस प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एडजेक्टिव के किस प्रकार हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप वहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो। देखिए, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में जो बात किया जा रहा है वो नाउन की जो क्वालिटी है, यहाँ पर जो एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, पसंद, इसे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, ये जो अच्छा है पर इसे पसंद नहीं करते। इस प्रकार से जब कभी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, वो जो है विच से स्टार्ट हो, दट से स्टार्ट हो, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सारे टिप्स हैं आपको, ट्रिक्स हैं पहचानने के। नेक्स्ट देखिए, द विनर्स हुज नेम्स आर पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड विल रिसीव राउंड ट्रिप एयर फेयर टू मेक्सिको सिटी। यहाँ पर जो विनर की बात किया जा रहा है, हुज नेम्स आर पोस्टेड ऑन बुलेटिन बोर्ड पर, ये जो नेम्स यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं, विल रिसीव राउंड ट्रिप एयर फेयर टू मेक्सिको सिटी में ये उन्हें मिला है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो विनर की बात की जा रही है, एंड ये जो विनर की बात की जा रही है, यहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, हुज नेम्स आर पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर याद रखना नहीं है, जहाँ कहीं भी विच, हुज, व्हाट, इस प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउंस आपको दिख जाए तब वो आपके हो जाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज। और इंफॉर्मेशन सेंटेंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी को यहाँ पर दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जब कभी भी यहाँ पर सेंटेंस में ये क्वालिटी जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है नाउन को रिलेट करके बताया जाए, तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज उसे कहते हैं जिसे हम यहाँ पर वर्ब की जो इंफॉर्मेशन हो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देगा, वो सेंटेंस को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो चलिए एग्जांपल से हम यहाँ पर देखते हैं, ही एंजॉय द पार्टी मोर देन यू डी। ही एंजॉय द पार्टी, ये जो है ये एक पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसने एंजॉय किया है, यानी कि ही एंजॉय द पार्टी, कौन, ही एंजॉय द पार्टी मोर देन यू डी, जितना तुमने यहाँ पर एंजॉय किया है उससे ज़्यादा उसने यहाँ पर एंजॉय किया है, यानी कि ये जो मोर देन यू डिड है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन को दिया जा रहा है। जब कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो वो सो, दैट, ऑल्थो, सून, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे, मोर देन, सून, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे, वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। इस प्रकार आप एडवर्ब क्लॉज को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स द वाइट कार मोर देन ब्लैक कार, उसे वाइट कार पसंद है लेकिन उससे ज़्यादा पसंद जो है वो ब्लैक कार है। तो यहाँ पर एक जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, वो पसंद करती है वाइट कार को, वो पसंद करता है वाइट कार को, ही लाइक्स अ वाइट कार, वो पसंद करता है वाइट कार को लेकिन उससे ज़्यादा वो ब्लैक कार को पसंद करता है, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है मोर देन ब्लैक कार,
ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब कभी भी एक सेंटेंस में दिया जाए और वो इंफॉर्मेशन हो जाए मोर देन सो ऑन एंड ये सारे हो जाएंगे आपके एडवर्ब क्लॉज। आई होप आपको क्लॉज की सारी सेशन समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इस पर हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट बेल आइकॉन करना मत भूलिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारे सेशंस आपके सामने ला रहे हैं। नेक्स्ट हम कभी भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।